जी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड एंड फैमिली, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो कल के प्रोग्राम का तसलसल है। कल तक हमने डिस्कस किया था कि टीबी क्या चीज़ है, टीबी की बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में कैसे जाती है। हमने डिस्कस किया कि टीबी का जरासीम जिस्म में कैसे पहुंचता है और किस किस मरहले पे क्या क्या करता है। हमने डिस्कस किया कि टीबी के मरीज़ की अलामत क्या हैं। हमने डिस्कस किया टीबी की तशखीस कैसे होती है। फिर हमने बात की कि टीबी का ट्रीटमेंट लंबा क्यों होता है, टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान कौन सी आम हदायत होती हैं। यहीं से अपने इस टीबी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि वो शख्स जिसे टीबी का मसला हो जाए उसे खुराक क्या लेनी चाहिए और उसके अलावा ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि टीबी का मर्ज बाकी फैमिली मेंबर्स में, रिश्तेदारों में और दोस्तों में ना फैले और टीबी के मरीज को एक्सरे बाद में कितनी बार या कब कब कराना चाहिए। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है, टीबी डॉट से क्या मुराद है, टीबी की दवाई खाने के दौरान अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या करना चाहिए, टीबी का इलाज के दौरान या टीबी के इलाज के बाद क्या वीज़ा मिल सकता है, बिरूने मुल्क सफ़र मुमकिन है कारोबार के सिलसिले में या विजिट के सिलसिले में। इसके अलावा लेटेंट टीबी क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम इन 5 या 6 जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं इनके बारे में बात करेंगे। आज सबसे ये गुजारिश है कि आप अगर आपकी फैमिली में या करीबी अजीज़ों में किसी को टीबी या चेस्ट सिम्पल का कोई डिज़ीज़ हो और आप उसके बारे में हमसे मशवरा करना चाहते हो या अपने तजुर्बे को दूसरों लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट्स में जाके इसका जिक्र कीजिए। कोई टेस्ट पहले से मौजूद हो वो अपलोड कीजिए, हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके साथ आप हमारे इस प्रोग्राम की जो वीडियो है उसे शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए ताकि ये जो लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से मेडिकल इन्फॉर्मेशन और वो आसान अल्फाज में मैंने जो सिलसिला शुरू किया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तफादा हासिल कर सकें। आइए तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टीबी के मरीज़ को खुराक क्या खानी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि टीबी की मर्ज की वजह से इंसान की वैसे ही भूख मर जाती है। दूसरा, टीबी की दवाइयाँ बड़ी हैवी होती हैं जिसकी वजह से मैदे पे बड़ा दबाव या प्रेशर होता है। हम अमूमन यही कहते हैं कि मरीज़ को शुरू में ख़ास तौर पे पेट भरकर खाना खाने की बजाय वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। जैसे जैसे उसकी बीमारी कंट्रोल में आएगी उसका नेचुरली कुदरती तौर पे वज़न बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे उसकी खुराक और भूख खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। जब उसे खुराक की भूख बढ़ती हुई महसूस हो तो फिर वो अपनी खुराक को ज़्यादा करता चले। ये वो मौका होता है जब वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है, यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कीमे का इस्तेमाल किया जा सकता है, फल और सब्जियां हर किस्म की इस्तेमाल की जा सकती हैं। बराह रास्त टीबी की बीमारी और टीबी के इलाज के दौरान किसी ख़ास किस्म का कोई परहेज़ नहीं है जो हम मरीजों को तजवीज़ करते हैं। कोई भी मरीज़ अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कोई भी खुराक इस्तेमाल कर सकता है, खुराक की कोई बंदिश नहीं है। टीबी का चूंकि इलाज काफ़ी लंबा होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इदारा है उसने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें टीबी का मरीज़ जब दवाई खाता है तो उसकी निगरानी की जाती है और उसे एक कागज़ में या रिपोर्ट पे लिखा जाता है कि आज ये दवाई खा ली, कल ये दवाई खा ली, परसों डेट के मुताबिक कैलेंडर के मुताबिक डोज पे टिक टिक लगाते हैं कि दवाई खा ली है। इसको कहते हैं टीबी डॉट प्रोग्राम। टीबी डॉट प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो टीबी का मरीज़ हो वो दवाई मुसलसल लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर रेगुलर खाए, डोज को मिस ना करें,
और इलाज को दरमियान में ना छोड़े। पाकिस्तान में भी टीबी डॉट का प्रोग्राम चल रहा है और तमाम सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी चंद एक में ये सहूलत मौजूद है कि जहाँ टीबी की दवाई मुफ्त फराहम की जाती है और साथ टीबी डॉट रजिस्टर में इंदराज के बाद एक कार्ड भी दिया जाता है और एक फैमिली मेंबर को दरमियान में एक गवाह के तौर पे, जामन के तौर पे, जिम्मेदार शख्स के तौर पे तयन किया जाता है ताकि वो अपने सामने मरीज को दवाई खिलाए। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आ जाती है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीबी की दवाई जो रूटीन में इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं क्लास वन या स्टेज वन, क्लास कहना चाहिए बल्कि, वो दवाई जरासीमों पे असर नहीं करती। जरासीम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो उन मरीजों के अंदर हमें ख़ास किस्म की दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है, फिर कहीं जाके टीबी का मर्ज़ कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस पाकिस्तान में 6-8% तक है, यानी कि अगर 100 टीबी के मरीज लिए जाएँ तो उसमें से 6-8 मरीज जो होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस वाले होते हैं और इनका इलाज का दुरानिया भी लंबा होता है, इलाज की दवाइयाँ भी महंगी होती हैं और इलाज की जो अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। हमारी अमूमन यही ख्वाहिश होती है डॉक्टर की हैसियत से कि किसी शख्स में टीबी अगर जाहिर हो जाए तो वो ड्रग रेजिस्टेंट की बजाय ड्रग सेंसिटिव निकले, ताकि जो रूटीन की दवाई मायरन पी फोर्ट या रिफा फोर इसी ग्रुप से उसका इलाज किया जाए। ताहम अगर उसके अंदर ये शवाहिद मिल जाए कि मायरन पी फोर्ट या रिफा फोर वाली दवाइयाँ इस पर कारगर साबित नहीं होंगी तो उस मरीज का फिर इलाज सेकंड लाइन दवाइयों से किया जाता है जो बहुत महंगी हैं और उसके अलावा दुरानिया भी फिर दुगना ना तिगना होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया था कि क्या ब्लड टेस्ट कोई है जो टीबी की तशखीस कर सके, तो इस बात के लिए जवाब है कि एक्टिव टीबी की बीमारी, जिसका मतलब है कि टीबी के जरासीम जिस्म में आया और उसने बीमारी पैदा कर दी, निशान आना शुरू हो गए एक्सरे पे, उसकी तशखीस के लिए ब्लड का अभी कोई टेस्ट ईजाद नहीं हुआ। जबकि टीबी की एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि बाद में आने वाला या छुपा हुआ या खुफिया, लेटेंट टीबी उसे कहते हैं। लेटेंट टीबी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मुराद के मरीज के जिस्म में टीबी के जरासीम थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं जो अभी इस वक्त मरीज को बीमार नहीं कर रहे, लेकिन उसके जिस्म के अंदर मौजूद ज़रूर हैं और कल को अगर किसी वजह से मरीज का कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर होगा या मरीज़ किसी और बीमारी में खुदा न खास्ता मुबतला हो तो ये टीबी के जरासीम अपनी मिकदार बढ़ा लेंगे और बीमारी पैदा कर लेंगे। इसको कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ों का जो वो उनकी तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और लेटेंट टीबी की तशखीस में हमें मदद मिलती है, जिसका नाम टी स्पॉट या टीबी क्वांटीफ्लोन टेस्ट जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो टीबी का मरीज जब इलाज के दौरान या इलाज के बाद वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो उसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अरब कंट्रीज़ के अंदर टीबी के दौरान और टीबी के इलाज के बाद अगर एक्सरे पे कोई निशानी को दाग आ जाए तो गल्फ़ कंट्रीज़ अमूमन इजाज़त नहीं देते, वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्ट कर देते हैं। यही वजह है कि कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे मरीज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद हो और वहाँ उन्हें टीबी हो जाए तो वो खामोशी से पाकिस्तान आके यहाँ से इलाज करा के खामोशी से वापस आते हैं। ताहम अगर कोई भी नया शख्स जिसको पहले से टीबी कभी हुई हो और वो वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि पहले अपना एक्सरे करा के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाए, ताकि वीज़े के लिए अप्लाई करने से पहले पहले उसके बारे में जानकारी हो जाए। क्योंकि जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो शनाख्ती कार्ड नंबर
और बाकी सारी मालूमात जब उनके सिस्टम में चली जाती है तो फिर रिजेक्शन सारी ज़िंदगी के लिए उस शख्स के हिस्से में आता है, फिर वीज़ा नहीं मिलता। अरब कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि अगर बरतानिया जाना हो, अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, ये मगरबी ममालिक जो हैं बीमारी के बारे में और मेडिकल के मैदान में चूँकि ज़्यादा शौक रखते हैं, तो ये इस बात को समझते हैं कि टीबी की बीमारी हुई, उसका इलाज मुकम्मल हुआ, अब मरीज़ के अंदर टीबी के जरासीम एक्टिव नहीं है तो उसे वीज़ा देने में कोई हर्ज नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट की हैसियत से वीज़ा रिजेक्शन के केसेस जब आते हैं तो उनमें उनकी अक्सरियत जो होती है वो गल्फ कंट्रीज़ की पे होती है। ताहम कुछ केसेस यूके, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं, जब हम उनके लिए एक तहरीरी जवाब लिख देते हैं तो अमूमन वीज़ा रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हो जाती है और उन ममालिक के वीज़ा मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई शख्स, कोई खातून टीबी का इलाज और दवाई खा रही हो, उसी के दौरान उसे प्रेगनेंसी हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। टीबी की दवाई प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, टीबी की दवाई को जारी रखा जाए, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि अगर किसी शख्स को टीबी का मसला है और टीबी उसके जरासीम थूक के अंदर आ रहे हैं, यानी कि वो ओपन केस है, तो उसकी फैमिली मेम्बर जो उसके साथ रहते हैं या दोस्त अहबाब जो उसके करीब रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वो टीबी से कैसे बच सकते हैं, या टीबी की तशखीस के लिहाज से अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो इन तमाम अफराद के लिए जो एक ही घर में रहते हों और टीबी का ओपन केस उनमें मौजूद हो, या जो कहीं आप काम करते हैं और वहाँ टीबी का कोई केस तशखीस हुआ हो, तो इन तमाम हजरात को अपना चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। जमाने पे कोई खराबी या दाग नजर आ जाए तो उसी वक्त फौरी उसका फिर इलाज शुरू कर दिया जाता है, ताकि टीबी को बॉडी के अंदर कदम जमाने का मौका ना मिल सके। ये थे हमारे टीबी के लिहाज से आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान आने वाले मसाइल और सवालात और उनके जवाबात। इनके अलावा अगर कोई बात आपके जहन में आ रही हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। सेशन के दौरान भी आप अपने क्वेश्चंस लिख के हमें भिजवा सकते हैं। एक दोस्त ने मेरे से पूछा था कि कीलॉयड स्कार क्या टीबी है या नहीं है। कीलॉयड स्कार अमूमन जब कहीं ज़ख्म लगता है तो वहाँ पे बनता है और वहाँ से जिल सूज के मोटी सी हो जाती है, कीलॉयड स्कार टीबी नहीं है। एक और शख्स ने पूछा था कि टीबी अगर है, साथ में गुर्दों का मसला हो किसी शख्स को, तो फिर कोई दवाई क्या इस्तेमाल करनी चाहिए। ये थोड़ी सी टेक्निकल और एडवांस बात है। अभी शफीक साहब ने पूछा है कि बच्चों को टीबी से बचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर। जी प्लीज़, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफीक भाई, आपने मुझे याद करा दिया। ये मैंने पॉइंट लिखा था लेकिन मेरे जहन से मिस हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में और बांग्लादेश में सब बच्चों को पैदा होने पे ही BCG का टीका लगता है, जो अमूमन यहाँ पे लगाया जाता है, ऐसे जिद को पकड़ के लगाते हैं। हर बच्चे को पैदा होते ही तीसरे या चौथे दिन BCG का टीका लगता है। आप सबकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये BCG का टीका जो होता है, ये टीबी से बचाव का हिफाजती टीका होता है, जो हर पैदा होने वाले बच्चे को पाकिस्तान में लगाया जाता है। छोटे बच्चे जब उनको ये टीबी का टीका लगाया जाता है, तो इसका असल मकसद ये होता है कि इन पैदा होने वाले छोटे बच्चों के अंदर टीबी के जरासीम दिमाग में जाके ना लग जाएं, क्योंकि बच्चों में, एक साल से छोटे बच्चों के अंदर दिमाग का टीबी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और उसी से बचाव के लिए BCG का इंजेक्शन तजवीज़ किया जाता है। ताहम इसके अलावा जब बच्चे ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उन बच्चों के वालदैन या बच्चों के दादा नाना, दादी नानी, या घर में कोई और ओपन केस
को चूमने से गुरेज करें। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो जो हैं और उनको बहुत करीब करना, उनसे उन्हें प्यार करना, उससे गुरेज करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन ये सारी एहतियातों का ताल्लुक मरीज़ के साथ होता है, मरीज़ को इसका ख्याल। सिचुएशन उस वक्त ज़्यादा फिक्रमंदी वाली या परेशान कुन होती है कि जब माँ को टीबी हो और बच्चा उसकी गोद में हो, जब टीबी के ट्रीटमेंट अभी शुरू किया हो और बच्चा डिलीवरी हो, या अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है उससे पहले बच्चे हैं घर में हैं, वहाँ पे सूरत हाल परेशान कुन ज़्यादा होती है। क्या माँ और बच्चे ने तो हर वक्त साथ रहना है, वहाँ पे हम क्या करें? तो वहाँ पे भी हम यही तजवीज़ करते हैं कि जो आम स्टैंडर्ड एहतियातें हैं कि खांसी आए तो हाथ रखें, कपड़े का इस्तेमाल करें, बलगम को डब्बी के अंदर ओपन जगहों पे ना फेंकें, बच्चों को चूमना इससे गुरेज करें, और साथ में उस बच्चे का या उन बच्चों का जो माँ के पास रहते हैं उनका भी है। अगर बच्चों के एक्सरे साफ आए, उस पे टीबी के निशान ना आए, तो फिर उन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है। जी इस वक्त मुअज्जम अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और शकील अहमद भी हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अशरफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इनका ताल्लुक है। जी शफीक भाई हैं जो राव खानवाला से हैं, इस प्रोग्राम में मेरे साथ चल रहे हैं। जी और आज का हमारा जो टीवी का प्रोग्राम था उसमें जो मैंने क्वेश्चंस तरतीब दिए थे उन सब का मैंने बारी बारी आंसर कर दिया है। इन सारी बातों का खुलासा मैं बयान करूं, खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और दुनिया भर में अब टीवी ला इलाज नहीं रहा, टीवी का 100% इलाज मुमकिन है। बर वक्त और बर वक्त इलाज, मुकम्मल जिम्मेदारी और रेगुलर तरीके से दवाई खाएं, 100% बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। आज इसी प्रोग्राम इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल तक के प्रोग्राम के लिए फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।